वैया गरजता हूँ अल्लाह, तेरी मदद करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी है अपने मुल्क के मुस्तकबल के लिए, और मैंने ये फैसला किया कि ये मैं लाइव करूँगा। ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये आपके पास लाइव जाएगी बात। और उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक उस अंग्रेज़ी में कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट पे है, एक फैसला कुन वक्त पे है कि हमने दो रास्ते हमारे सामने हैं, हमने कौन सा रास्ता लेना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले ये मैं जो आपसे दिल की आज बातें करूँगा, उससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि मेरी तरह का आदमी पॉलिटिक्स में आया क्यों। क्योंकि आप अगर पॉलिटिशियंस की जिंदगी देखें तो उनको किसी को भी कोई पॉलिटिक्स से पहले नहीं जानता था। उनकी कोई बड़े कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई चीज़ अचीव भी किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, लेकिन उन्होंने वो ऐसे थे कि सारे हिंदुस्तान के अंदर वो सबसे बड़े वकील समझे जाते थे। तो एक वो यानी उनकी हैसियत थी पॉलिटिक्स पे आने से पहले। लेकिन आप ज़्यादातर लोगों को देखें तो पॉलिटिक्स में तो उससे पहले कोई उनका नाम भी नहीं जानता था। तो मैं तो वो एक खुशकिस्मत इंसान हूँ, अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तो उसने सब कुछ दे दिया था। यानी कोई शायद ही किसी को इतनी शोहरत मिले जितना मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत थी उतना पैसा मेरे पास था, सब कुछ था मेरे पास। यानी आज भी मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मुझे सब कुछ दे बैठा और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं पाकिस्तान की पहली जनरेशन था। हम वो जनरेशन थे जो पहले आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। पाकिस्तान मेरे से सिर्फ 5 साल बड़ा। तो मेरे माँ बाप जो थे, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ, वो एक गुलामी के दौर में पैदा हुए थे, वो अंग्रेज़ के दौर में पैदा हुए थे। और मैं जब तक बड़ा होता रहा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में शिरकत की थी, वो मुझे हमेशा ये एहसास दिलवाते थे कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो, आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। तुम्हें नहीं पता कि जो भी आप कर लें गुलामी क्या होती है, क्योंकि एक सत्ता से ऊपर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर आपके हुक्मरान बैठे हुए थे। तो एक बड़ा एक जो भी खुददार लोग थे उनको बड़ा बुरा लगता था ये जो अंग्रेज की गुलामी थी। तो हम बड़े हुए, मेरे बहनें और मैं, हमें याद है कि बचपन से ही बताया गया। तो जो ये खुददारी है ना, ये एक आज़ाद कौम की निशानी होती है। और जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू किया, मैं आपको बताऊँ पॉलिटिक्स में क्यों आया था। मैं इसलिए आया कि मैं एक तो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी हुई थी, पाकिस्तान की और दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर मुझे पता था, तारीख का पता था। मैं इस नतीजे पर आया कि हमारा मुल्क कभी भी वो मुल्क बन नहीं सकता जो ख्वाब थी अल्लामा इकबाल की, और जो कायदे आज़म जैसा लीडर, यानी जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की इस ख्वाब के लिए कि पता था कि उन्होंने ज़िंदा नहीं ज़्यादा देर रहना। और अगर आप उनकी तारीफ पढ़ें कि जिस तरह वो उन्होंने केस लड़ा पाकिस्तान का बीमारी के हालात में, तो ये हमारे ये फाउंडिंग फादर्स थे। तो जो पाकिस्तान का मकसद था वो तो एक बड़ा अजीम मकसद था कि हमने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। ये हमारी करारदाद पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है हमारे फाउंडिंग फादर्स का कि हमने एक, जब हम कहते हैं इस्लामी फलाई रियासत तो ये सीधा चला जाता है मदीना की रियासत में, क्योंकि हमेशा मुसलमान उसको मॉडल समझता है। जो सुनहरी दौर इस्लाम का है वो मदीना की रियासत थी। तो जब मैंने 25 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू की तो तीन मैंने अपनी जो हमारे मैनिफेस्टो थे उस पर तीन चीज़ें रखी, इंसाफ। और इंसाफ फिर मैं क्वालिफाई कर दूँ, इंसाफ होता यह है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होता है, और
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर चोरी करे तो उसको सजा ना मिले और सिर्फ कमजोर चोर, छोटा चोर जेल में जाए। उन्होंने कहा कौमें तबाह हो जाती। तो जिस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये बेसिस है एक मोट इंसाफ, और दूसरा इंसानियत, रहम होता है एक इस्लामी रियासत में, जो कि मदीना की रियासत में पहली फलाई रियासत बनाई गई थी, जो मैं बार बार लोगों को कहता हूँ। तो ये मेरे दो एम्स थे। और तीसरा था खुददारी। एक मुसलमान कौम गुलाम कौम नहीं बन सकती। जिस कौम का नारा था पाकिस्तान का, मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का तो मतलब ही है कि सिवाय अल्लाह के आप किसी के सामने नहीं झुकते, वो शिर्क है। सबसे बुरी चीज अल्लाह को लगती है कि जब आप किसी को भी अल्लाह की जगह पर रखते हैं। तो ये गुलामी जो होती है, ये जब आप किसी की भी, पैसे की गुलामी, खौफ की गुलामी, ये सब शिर्क है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है। ये तीन थे मेरे आज से 25 साल पहले। आप देखें कि मैं मैनिफेस्टो में ये तीन चीजें लिखी। मुझे लोग कहते हैं इमरान साहब आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। मैं अगर इस्लाम अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना डालता, मैं पॉलिटिक्स में क्यों आता? जिस आदमी के पास सब कुछ है, मुझे ये बताए, वो अपनी जिंदगी के 22 साल खर्च करेगा एक स्ट्रगल में, और 14 साल तो थोड़े से लोगों के साथ था, 14 साल तो मजाक उड़ता था मेरा, तो मैं क्यों पॉलिटिक्स में इतनी देर कोशिश की जिसके पास सब कुछ था? मुझे इतने लोगों ने कहा कि इमरान साहब आपको जरूरत क्या थी पॉलिटिक्स की? मैं सच आपको बता रहा हूं, बार बार मुझे लोग कहते आपको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत थी। यानी सिर्फ आपको जरूरत ही हो तो आप पॉलिटिक्स में आए, आप कोई नजरिए के लिए ना आए, कोई आपकी बड़ी एम्बिशन ना हो। एक मैं अपने सारे जो, और खास तौर पे मेरे, मैं चाहता हूं मेरे जो नौजवान है वो आज मेरा बड़ा गौर से सुने जो मैंने आपसे बात कर ली। देखिए एक मौलाना रूमी की एक सेइंग है, मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो आप क्यों चूंटियों की तरह जमीन पर रेंग रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे बड़ी मखलूक, फरिश्तों से ऊपर दर्जा दिया हमें, फरिश्तों को का इंसान के सामने झुको, और शैतान को इसलिए निकाला गया, वो इबादत बड़ी करता था, उसने उनका हुक्म नहीं माना, उसमें तकब्बुर था, उसने कहा मैं नहीं झुकता। अल्लाह ने हमें पर दिए, मसला हमारा ये है कि हम, क्योंकि हमारे में ईमान की कमी होती है, क्योंकि हम और खुदाओं की पूजा करते हैं, जो सबसे बड़ा जो शिर्क है वो पैसे की पूजा करते हैं, खौफ की पूजा की, जो वो बड़े बड़ी सुपर पावर है, अगर हमने ये ना किया तो हम तबाह हो जाएंगे, ये खौफ का पुत है। हम इंसान चूंटियों की तरह रींगता रहता है। तो पाकिस्तान, मैंने इसकी ऊंच नीच देखी है। हमने शुरू में, हम छोटे थे, हमें याद है जब पाकिस्तान एक खूब तेजी से ऊपर जा रहा था, हमारी मिसालें दी जाती थी। मैं जब स्कूल में था पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी, साउथ कोरिया पाकिस्तान आया था सीखने के लिए कि कैसे आगे बढ़ा, मलेशिया के शहजादे मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ सीखने आते थे, सारा मिडल ईस्ट से लोग यहाँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में आते थे, हम ऊपर जा रहे थे, हमारा मॉडल लोग देखते थे, मिसाल दी जाती थी। मैंने इसको नीचे आते देखा और मैंने इसको जलील होते देखे अपने मुल्क को, और मैं उसके ऊपर अभी आता हूँ क्योंकि जो मेरे वालिद थे, मुझे याद है अपने आखिरी दिनों में जो हमारे ऊपर ये वॉर ऑन टेरर के अंदर जिस तरह की पाकिस्तानियों को जिल्लत मिली, पाकिस्तानियों को मैं खास तौर पे कह रहा हूँ लेकिन ओवरऑल इस्लामोफोबिया भी था, लेकिन पाकिस्तानी को जिल्लत मिली। तो मैं जो आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि देखिए अल्लाह ने जो हमारे अंदर इतनी सलाहियतें दी हैं अशरफुल उसकी अजीम मखलूक पे, लेकिन उसे कंडीशन लगाई हुई है। उसने कहा है कि तुमने अगर ऊपर उड़ना है ना, जो इकबाल ने अपना शाहीन का कॉन्सेप्ट दिया है कि शाहीन कैसे इकबाल का, वो तब ऊपर जाता है जब वो रेजिस्टेंस के सामने खड़ा होता है।
जब वो मुकाबला करता है, जब वो अपने आप को मुश्किल वक्त से गुजारता है। हम नमाज में सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं जब पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा जिनको नेमतें बख्शे, उनके नहीं जो अपने तबाही के रास्ते पर चले गए। तो जो नेमतें बख्शी ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब थे सबसे ज्यादा, तो उनको नेमतें बख्शी। उनका आसान रास्ता नहीं था लेकिन उनकी अजमत का रास्ता था। मैं इसलिए पाकिस्तान के अंदर सीरत नबी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। क्यों नबी की सीरत पढ़े? क्योंकि वो दुनिया की तारीख में सबसे अजीम इंसान होते हैं, तो उनके रास्ते पे अल्लाह क्यों हमें कहते चलो? क्योंकि वो अजमत का इंसान का रास्ता है। हम पकड़ लेते हैं दूसरा रास्ता जो हम समझते हैं कि बड़ा आसान रास्ता है। अच्छा जी, वो फलाना ने हुक्म दे दिया और हम तबाह हो जाएंगे, अगर उसने वो फलाना मुल्क नाराज हो गया तो हमारा ये हो जाएगा। हम रींग रहे हैं जमीन के ऊपर, हम चूंटियों की तरह रींग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कि जब मैंने 25 साल पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने कभी आप मेरी कोई स्टेटमेंट पढ़ लें, मैंने हमेशा एक चीज कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा, यानी अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। ये 25 साल कोई मेरी स्टेटमेंट अभी आप देख लें, कोई पुरानी मेरी वीडियोज हैं, कभी इससे पीछे नहीं हटा पाए। जब इक्तदार मुझे मिला तो मैंने तब फैसला किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद होगी। आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तानियों के लिए होगी, हमारे मफादात के लिए होगी। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करेंगे, हम किसी को के खिलाफ होंगे, हम कोई एंटी अमेरिकन होंगे या एंटी इंडिया होगा या एंटी यूरोपियन होंगे। मैं तो सबसे पहले मैं वो पाकिस्तानी हूं, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो जानते थे और जो रिस्पेक्ट और मेरी दोस्तियां थी वो मैं पाकिस्तानी था क्रिकेट की वजह से। मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उनके पॉलिटिशियन उनके लोगों को जानता हूँ, इंग्लैंड को तो आप इस तरह के मेरा दूसरा घर था एक बार, तो मैं तो जानता हूँ। मैंने कभी ये नहीं, कभी किसी भी इंसानी माशरे मैं कभी उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। हाँ, हम उनके अंदर जो उनकी गलत पॉलिसीज है उसकी मैं तनकीद करता हूँ। मैंने जब पाकिस्तान ने शिरकत की वॉर ऑन टेरर में, यानी जब जनरल मुशर्रफ हमें अमरीका की जंग में लेके गए, मैं उस मीटिंग में था, मैं इस कमरे में था, इसी कमरे के अंदर सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, जिसके अंदर हेड्स ऑफ पार्टीज बुलाए थे, जिस तरह बाकी भी थे, मैं भी था। इसी कमरे के अंदर हमें कहा गया कि जी वो अगर हमने अमेरिका की हिमायत ना की तो अंग्रेजी का लफ्ज वाउंडेड बेयर की तरह है, एक जख्मी रीछ की तरह है, वो हमें भी हमें ना उससे मिला शायद हम ही ना मारते। और मुझे याद है मैंने बार बार मीडिया पे, पार्लियामेंट पे, हर जगह मैंने कहा कि हमारा उस जंग से कोई लेना देना नहीं था, 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था, हमें क्या जरूरत है कि हम अपने मुल्क को किसी की जंग में ले जाएं। हम उनकी मदद करें अगर उन्होंने उनके मुल्क में दहशतगर्दी हुई है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि हम पाकिस्तानियों को कुर्बान कर दें किसी की जंग में? और फिर हमने गलती क्या की? सबसे बड़ी जनरल मुशर्रफ ने गलती की, 80 की दिहाई में हमने पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन गया जी, कि हम अमेरिका के हिमायती हैं, हम उसके एलाए हैं, हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद लड़ रहे हैं, और सारी जहाद पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई, और बाहर से लोग हमने बुलाए और हमने उनको ट्रेन किया और यहां से मुजाहिदीन ग्रुप्स गए, हमने उनकी पूरी हिमायत की, उनको बताया कि फॉरेन ऑक्यूपेशन, क्योंकि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर फॉरेन ऑक्यूपेशन है, इसलिए हम लड़ रहे हैं जहाद, और सारे हमें बताया गया कि कितना बड़ा पाकिस्तान बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे ही वो जहाद खत्म होती है, सोवियत यूनियन हारता है, अमेरिका यहां से चला जाता है, सोवियत यूनियन उधर चला जाता है, और 2 साल के बाद वही अमेरिका जो हमारा दोस्त था, जिसके लिए जो हम इकट्ठे जंग लड़ रहे थे, वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देता है, प्रेसलर सैंक्शन। 9/11 आ जाता है,
पाकिस्तान की, फिर अमेरिका की जरूरत पड़ जाती है। ये जो अभी मैंने आपको कहा कि इसी कमरे के अंदर फैसला हो रहा है कि जी हम अमेरिका की हमें हमायत करनी चाहिए, हमने कहा कि हाँ ठीक है हमायत यहाँ तक ठीक है कि दहशत, हम सारे दहशत गर्दी के खिलाफ है, उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन जो हमायत हमने की, जो पाकिस्तानियों की जानों की कुर्बानी दी गई, किसी और अमेरिका के एलाय ने इस तरह की कुर्बानियां नहीं दी। कोई नेटो भी अमेरिका के साथ था, कोई एक मुल्क बताए जो 80,000 अपने लोग मरवा लें, जिसका सारा कबायली इलाका। और मैं ये आज फिर से कहना चाहता हूं, देखिए मैं कबायली इलाके को बाकी से बेहतर जानता हूं, मैंने वो सारा कबायली इलाका फिरा हुआ, मैंने किताब लिखी हुई, मैं उसकी तारीख जानता हूं। कबायली इलाका पाकिस्तान में सबसे पुरामन इलाका था, वहां क्राइम होती नहीं थी कोई उनके रिकॉर्ड में, यानी हमेशा से वो क्राइम फ्री एरिया था। जो कबायली इलाके के लोगों से हुआ हमारी इस जंग में शिरकत करने से, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लोगों के ऊपर, बेचारों के ऊपर क्या गुजरे। वहां लोग मारे गए, वो उधर से लोग खड़े हो गए, जिन लोगों को अब सोचे, हम लोगों कह रहे हैं कि जहाद करना, अगर बाहर से ऑक्यूपेशन हो वो सबसे अजीम चीज है, और अब अमेरिकन जब हम पहुंच गए तो हमने कहा नहीं आप दहशत गर्दी है। अब जाहिर है वो लोगों को आप 1-10 साल में एक तरफ से दूसरी तरफ तो नहीं ले जा सकते थे, वो इंसान थे, उनको हमने ये बताया हुआ था कि ये जहाद है। वो जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गए, और वो जो पुराने जहादी ग्रुप्स ट्रेन किए थे वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, तो उससे उन्होंने हमें कहा कि हम कोलैबोरेटर्स हैं अमेरिका के, जहां जो पाकिस्तान में खुदकुश हमले हुए, जो कबायली इलाका उजड़ा गया, जो यहां मैं पता नहीं कितने अस्पतालों में गया मैं, तो जो लोग बच गए थे, किसी की टांगे नहीं है, कोई चल नहीं सकता, किसी आंखें नहीं है, हाथ उड़े हुए हैं। तो इस सारी जो हमने जब इसकी इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी अपने मुल्क की, इसका कोई क्रेडिट मिला पाकिस्तान को क्या? किसी ने कहा कि आपने बड़ा जबरदस्त काम किया, शुक्रिया पाकिस्तान? ये नहीं हुआ। वहां से आवाजें आनी शुरू हो गई अफगानिस्तान की, ये भी ये अफगानिस्तान आजाद होने से पहले की बात कर रहा हूँ, कि जी पाकिस्तान की दोगली पॉलिसी की वजह से वो नहीं जीत सकता, यहाँ हमारे लोगों को बार बार कहा गया कि डूबोर कभी आपने और नहीं किया, ड्रोन अटैक्स हुए, ड्रोन अटैक्स पे जितने बेकसूर लोग मारे गए, मुझे याद है मैं गया वहां पाजौड़ में, ड्रोन अटैक हुआ, 80 मदरसे के बच्चे मार दिए, शादियों के ऊपर ड्रोन अटैक हो रहा है। तो पाकिस्तान किस हिसाब से गुजरा, कि मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरी आज पॉलिसी क्या है। क्या जो तनकीद हो रही है कि जी इमरान खान, ये जो भी मैं, ये जो हमें डॉक्यूमेंट मिली है, पहले मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये सारे वक्त मैं इसकी मुखालफत करता रहा। आप मुझे तालिबान खान, इन्होंने कहा जब मैं ये कहता था कि ये पाकिस्तान की जंग नहीं है और ये जो हो रहा है ये जुल्म हो रहा है, ये जो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ मैंने मुजाहरे किए, वाहिद पॉलिटिशियन था, मैंने धरने दिए ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, मैंने वजीरिस्तान मार्च की बाहर से ह्यूमन राइट्स अमेरिका से ऑर्गेनाइजेशन आई, उन्होंने मेरे साथ हमायत की, एक क्लाइव स्टैंडर्ड्स पे था वकील, उसने मेरे साथ आके यहां हमायत की कि इतना बड़ा जुल्म है। कोई हमारे सीनियर पॉलिटिशियन लीडर्स ने कोई बात नहीं की, डरे हुए खौफ सदा कहीं अमरीका ना नाराज हो जाए। कौन से कानून में यह लिखा हुआ है कि आपका अपना जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं वही आपके मुल्क में आए, ड्रोन अटैक करे, जज जूरी एग्जीक्यूशनर यानी वही फैसला करे कौन दहशत गर्द है, उसको मार दे, कोई पता ना तहकीक हो कि जी कोई बेकसूर आदमी था या वहां की दहशत गर्द। हुकूमत, हमारी हुकूमतों ने पूरी तरह इस जुर्म में शिरकत की, और जो वहां के जिनके रिश्तेदार मरते थे, जिनके कोई बेकसूर लोग, औरतें बीवी घर मरते थे, वो हमारे ऊपर फिर हमले करते थे, वो हमें समझते थे कि हम इनकी मदद कर रहे हैं जो कि उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो लिहाजा हर तरफ पाकिस्तानियों ने सफर किया।
तो मैं जब हुकूमत मिली तो मैंने पहले दिन से ये कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी, हम कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि किसी और की तो बेहतरी हो लेकिन हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ये किसी के खिलाफ नहीं थी, ये एंटी अमेरिकन या एंटी यूरोपियन एंटी इंडियन भी नहीं थी, इंडिया के खिलाफ सिर्फ जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल कानून तोड़ा, जब उन्होंने कश्मीर का स्टेटस लिया 5 अगस्त 2019 में, तब मैंने उनके खिलाफ बात की और हर फोरम पे की। लेकिन मैंने कोशिश उससे पहले पूरी की हिंदुस्तान से दोस्ती की। तो मैं आज जो आपके पास ये सारी बात करने के लिए इसलिए आया हूं कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूँ और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूँ कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सर, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। मुझे जो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो ये नहीं है कि ये उस मैसेज में वाज़े ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी इतमाद या दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से ही पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये अपोजिशन रखने लगी, तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से रबते थे। अच्छा, उस पे फिर मजेदार चीज ये है कि वो ये पाकिस्तान की क्यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए, वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ कर देंगे पाकिस्तान को अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो फिर से मैं ये कहता हूँ कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी दूसरा मुल्क ये इस तरह, और ये रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको ये बता दूँ कि ये नहीं कि ये मैं देख रहा हूँ कई मीडिया के लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो ऐसा नहीं तो फलाना नहीं तो वो पता नहीं, ये नहीं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया, और ये कहा बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आजम तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा सबसे अपनी कौम से आज ये सवाल है कि क्या ये हमारी हैसियत है, 22 करोड़ की हम कौम है, कि हमें एक कोई बाहर का मुल्क, और कोई वजह भी नहीं बता रहा, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक चीज़ बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फैसला किया रूस जाने का, हालांकि जब रशिया जाने का फैसला था इसके अंदर हमारी सारी फॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी, हमारी सारी अस्करी क्यादत की मुशावरत पूरी थी, मैंने बल्कि फॉरेन सेक्रेटरीज को इसी कमरे में बुलाया जो पुराने रिटायर्ड थे, उनसे हम मुशावरत करके गए, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ कि नहीं, सिर्फ वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहे हैं कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं ये सिर्फ इमरान खान की वजह से गए, और फिर उन्होंने ये जो बाकी लिखा कि अगर जब तक वो है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। अब मेरा सवाल ये है कि वो असल में ये कह रहे हैं कि ये जब जाएगा तो जो बाकी जो आएंगे वापस, जो दूसरे इमरान खान की जगह आएंगे,
उनसे हमें कोई मसला नहीं। तो मैं असल की कौम के सामने ये चीज रखना चाहता हूँ, मेरा ये जो आज आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये तो नहीं है कि कोई बाहर से मुल्क चलिए कह दे कि हाँ जी हमें नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी, पता नहीं कोई वजह क्या बता रहे हैं कि जी आप रूस चले गए, वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं जिस तरह के हम कोई उनके नौकर हैं। लेकिन जो इसमें सबसे डिस्टर्बिंग चीज क्या है कि उनके राबते उन लोगों से हैं जिनके जरिए ये सारी साजिश हुई है, जो यहां बैठे हुए हैं। और यहां कौन बैठे हुए हैं? चीफ स्टूजेस। स्टूजेस का मतलब होता है जो कि बड़े वफादार गुलाम होते हैं। ये वो लोग हैं। अब ये जरा सुन रहे हैं कि ये चाह क्या रहे हैं। ये चाह ये रहे हैं कि इमरान खान जाए, लेकिन अगर ये आ जाए वापस, ये जो अभी जिन्होंने अदम-ए-एतमाद किया हुआ है, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये कि क्या ये अपने मुल्क के अंदर इजाजत देंगे किसी को क्यादत में आने के लिए जिनके ऊपर नैब के केसेस हो, जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस इनकी अदालतों में हो, वो जो कि एक मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया पाकिस्तान की अदालत ने, जो कि झूठ बोल के भागा हुआ, क्या वो उन लोगों को जिनके ऊपर बाहर इनके मुल्कों में बाहर के मुल्क मजमून लिखे हुए उनकी चोरी के ऊपर, करप्शन पे, बीबीसी की दो डॉक्यूमेंट्रीज आई हुई है इनकी चोरी के ऊपर, क्या अपने मुल्क में इस तरह के लोगों को या क्यादत पे आने देंगे? और अगर अपने मुल्क में इतनी सी झूठ बोलने पे ये निकाल देते हैं एक प्राइम मिनिस्टर को, हैरल्ड मैकमिलन था, झूठ बोलने में उसको निकाल दिया, छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो इतना अपने लोगों का उनका जो इखलाकी मियार है वो इस सतह पे है, छोटी सी चीज पे वो निकाल देते हैं। तो हमारे मुल्क में जो के नैब में अरबों रुपए के केसेस इनके, और अभी 30 साल से इनके ऊपर केसेस, पहले जो केसेस थे वो जनरल मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दी, वो सारे केसेस माफ करवाए, फिर ये 10 साल में मजीद और केसेस चढ़ गए अरबों रुपए। उनको ये कह रहे हैं कि वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इमरान खान इनको पसंद नहीं है। मुझे जो अगली चीज समझ नहीं आ रही है, मैं ये अपनी कौम से पूछना चाहता हूं कि जब उनको भी पता है, क्योंकि ये याद रखना मेरे पाकिस्तानियों कि जब उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो सारी बैकग्राउंड पता होता है हर का, मेरा उनको सब पता है, इन सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स इनकी सब बैकग्राउंड पता है, इनको उनकी एक एक चीज पता है कि इनके कितने पैसे मुल्क के किस अकाउंट्स में पड़े हुए बैरून मुल्क, इनको सब पता है कि इनकी प्रॉपर्टीज बेनामी जो इन्होंने बाहर ली हुई है बड़ी बड़ी अरबों अरबों रुपए की, हर डिटेल इनके पास है। एक हमारा यंग पॉलिटिशियन है, एक किताब है रॉन सुस्किन की द वे ऑफ द वर्ल्ड, उस किताब में वो लिखता है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी जो थी वो टेप कर रही है, उसकी वालदा उसको टेलीफोन करके बैंक अकाउंट्स बता रहे हैं, यानी इधर तक उनको पता है। तो हमारे ये जो अब ये तीन लोग इनको जो जो पसंद आ गए, इनकी क्या खासियत इनको पसंद आई? ये कि इन जनरल मुशर्रफ के सालों के अंदर 11 ड्रोन अटैक, इन दोनों के ये जो इस पर के सार ये तीनों इकट्ठे इकतदार में थे, इनके 10 साल में इस मुल्क में 400 ड्रोन अटैक्स हुए, एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला कि मुजम्मत करते हैं। हामिद करजई मुझे याद है अफगानिस्तान में जब उनके उनके ड्रोन अटैक या वहां बमबारी से अफगानिस्तान के बेकसूर लोग मरते थे वो मुजम्मत करता था, जिधर अफगानिस्तान में फॉरन फौजें थी, यहां हम बैठे हुए हैं 400 ड्रोन अटैक्स में एक दफा किसी ने मुजम्मत नहीं की, इसलिए उनको ये सूट करते हैं। मौलाना फजल रहमान की एक विकी लीक्स क्या थी कि एक जिस तरह पैनमा पेपर्स का इंकशाफ हुआ था, ये इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, लीक हो गए थे सीक्रेट पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स, तो पैनमा जो विकी लीक्स में वो इंकशाफ होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर अमरीकी एम्बेसडर थी एन पैटरसन, उसको मौलाना
फजल रहमान मौलाना ने, फजल रहमान, उसको फजल रहमान कहता है कि मुझे मौका दे दे, मैं भी वही खिदमत करूंगा जो बाकी आपकी खिदमत करते हैं। ये विकीलीक्स में था। नवाज शरीफ का बरका दत्त की किताब में है कि वो नेपाल के अंदर नरेंद्र मोदी से छुप छुप के मिल रहा था अपनी फौज से बचने के लिए। डॉन लीक्स में क्या था, हिंदुस्तान को मैसेजिंग हो रही थी कि जनाब मैं फौज के साथ, अगर फौज ये करिए तो फौज करके मैं नहीं कर रहा। ये सोचे कि कभी आप सोच सकते हैं कि मेरे आर्मी चीफ को जनरल बाजवा को कोई बाहर की कुवत कहे कि ये दहशत गर्द है और मैं चुप करके बैठा रहूं और वो मेरी तारीफ करे और उसको बुरा भला कहे। जनरल राहिल शरीफ को नरेंद्र मोदी दहशत गर्द कह रहा था, दहशत गर्द का चीफ, और नवाज शरीफ से दोस्ती थी और शादियों पर इन्विटेशन थी। ये इन लोगों को ये चाहते हैं। आसिफ जरदारी का बॉब वुडवर्ड की किताब के अंदर है कि उनके CIA चीफ जब उनसे कहता है, वो कोलैटरल डैमेज की बात की, कोलैटरल डैमेज का मतलब कि जब बॉम्ब गिरता है तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं, तो उसको कहता है कि फिक्र ना करें अगर ड्रोन अटैक में बेकसूर लोग मारे जाते, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कह रहा है दूसरों को, जो जिसको थोड़ा सा, और किताब में वो लिखता है कि वो हैरत अंगेज हो, हैरत आती है कि ये कैसे मुल्क का सदर बात कर रहा है। इस तरह के लोग उनको पसंद है। और शहबाज शरीफ उसकी स्टेटमेंट कि जी इमरान खान ने बड़ी गलती की, एब्सोल्युटली नॉट कह के, यानी ये जो इनके दौर में मैं एब्सोल्युटली नॉट क्या था, मैंने सिर्फ ये बात कही कि हम अमन में आपके साथ हैं, हम जंग में आपके साथ नहीं है, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में आपके साथ, लेकिन जो भी आप अमन अफगानिस्तान में कहीं जाते हैं हम साथ हैं आपके। मेरी पॉलिसी आप मैं बताऊं कि हम, मेरी क्योंकि हम इंडिपेंडेंट, यानी हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी होती है कि हम साजिश का किरदार प्ले कर सकते हैं। वो सिर्फ तब होती है जब आप लोग समझे कि आजाद है आपकी फॉरेन पॉलिसी। जब लोग पहले से समझते हैं कि जिधर से हुक्म आएगा आपने वही करना है, आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आपके मुल्क में बीमारी कर रहा है आपका दोस्त और आपके लोग मर रहा, उसको नहीं कुछ कह सकते, किसने आपकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी और दुनिया ने क्या इज्जत करनी है आपकी। जब हम ये वॉर ऑन टेरर में हिस्सा ले रहे थे, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मेरा ताल्लुक बहुत है, कभी उनसे पूछे कि उनको किस जिल्लत का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट्स के ऊपर उनसे क्या होता था, पकड़ पकड़ के उनको डिटेन कर देते थे, आम बेकसूर लोगों को पकड़ के पाकिस्तानी को जेल में डाल देते थे बाहर की मुल्क, जबकि यहां हम उनके लिए जंग लड़ रहे हैं, बाहर पाकिस्तानी दुश्मन बने हुए हैं। कभी किसी से पूछे कि उन बेचारों से क्या, कितने पाकिस्तानियों को जेलों में डाला गया, किसी ने कोई बात की, किसी ने उनके लिए स्टैंड लिया। तो मैं जब ये फॉर्म, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात करता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मेरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मेरे 22 करोड़ लोग हैं, मैं उनके लिए फॉरन पॉलिसी बनाऊंगा। तो ये जो शहबाज शरीफ कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, मैंने नहीं कहना था, क्योंकि आपका तो पावर में आने में मकसद ही कुछ और है। आपने कब पाकिस्तानियों के लिए स्टैंड लिया बताया, कितनी दफा ये जब बमबारी हो रही थी आपके मुंह से आवाज निकली, और आप और आपके भाई साहब कभी बात कर ही नहीं सकते जब, क्योंकि आपके सारे जो अरबों रुपए सब पता है उनको किधर पड़े हुए। और दूसरी चीज ये कहा कि जी ये जो डॉक्यूमेंट है ये ठीक ही नहीं है, अगर ये ठीक हो जाती तो आप हमारे साथ आ जाते। तो आज नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर जब रखी गई, क्यों नहीं आपने आके देखी, हमने ये डॉक्यूमेंट, पहले लोगों ने कहा कि नहीं जी ये ठीक नहीं है, मजाक उड़ाया गया जी, जाली है, पहले मैंने कैबिनेट में रखी, सारी कैबिनेट को बताया कि हम मिनट्स कैबिनेट्स के बने, क्योंकि सबसे टॉप फोरम पाकिस्तान का वो है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की मैंने, सारे अपने सर्विस चीफ सबके सामने रखी वो डॉक्यूमेंट, उसके बाद ये पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर लेके गया और सीनियर जर्नलिस्ट को हमने बताया, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये कोई डॉक्यूमेंट कोई पब्लिक को यानी उकसाने की बात नहीं है। ये इतनी, ये जो मैंने आपको बताया इससे ज्यादा ये खौफनाक इसमें चीज है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं अब आखिरी बात पे आने लगा और वो ये है कि हमारी अब
संडे को वोट दी जाएगी। इस संडे को इस मुल्क का फैसला होने लगा है कि ये मुल्क किस तरफ अब जाएगा। क्या वही गुलामाना पॉलिसी करप्ट लोग जिनके ऊपर 30-30 साल से करप्शन के केसेस हैं, नैब में भी केसेस पड़े हैं, बदकिस्मती से कोई और मुल्क होता जिसके अंदर ये इंसाफ का निज़ाम ज़्यादा ताकतवर को कानून के नीचे लाना लाने जिनकी सलाहियत है, और जो भी खुशहाल मुल्क हैं दुनिया में, जो भी जिधर मुल्क में जिन मुल्कों के अंदर गुरबत नहीं है, खुशहाली है, जो प्रोग्रेस कर चुके हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उन सारे मुल्कों की एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि ताकतवर मुजरिम को उनकी सलाहियत होती है कानून के नीचे लाने की। हमारा अभी तक इंसाफ के निज़ाम में वो सलाहियत नहीं है। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि अरबों रुपए के इनके पास केसेस हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो क्या कौम इनको फिर जो 30 साल से कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं जी इमरान खान ने मुल्क बड़ा खराब, आज क्यों ये सारा कर रहे हैं ड्रामा, इमरान खान ने मुल्क खराब कर दिया। इमरान खान तो अभी 3.5 साल हुए, 30 साल से तो आप बारियां ले रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। तो ये अगर मुल्क खराब था, ये अगर हालात बुरे थे, तो ये क्या 3.5 साल में हो गए? और मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो हमने किया है, किसी भी फोरम इंडिपेंडेंट माहरीन को आप बैठाए, उनसे पूछे, मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो पाकिस्तान में हुए इनके किसी दौर में नहीं। तो ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट होनी है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा। मुझे लोगों ने किसी ने कहा कि इमरान खान आप रिजाइन कर दें, मैं रिजाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा जो भी रिजल्ट हो। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं उस दिन, ये मैं चाहता हूं मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने जमीन का सौदा करेगा। अगर कोई ये किसी को कहने की कोशिश कर रहा है ना कि जी हमें एकदम पता चला कि इमरान खान तो ये तो बहुत ही नाहल या बुरा था, आपको रिजाइन करना चाहिए था। हम जमहूरियत के अंदर लोग रिजाइन करते हैं, लोग तब नहीं करते कि जब आप देखें कि 20-25 करोड़ रुपया आपको ऑफर हो रहा है और आप चले जाए, और वो पैसा जो पहली चोरी का पैसा जिससे खरीदा जा रहा है लोगों को, सारी कौम के सामने ये हो रहा है। वो जगह बनी हुई है जिधर मैरियट के अंदर या सिंध हाउस के अंदर ये तमाशा चल रहा है सारी कौम के सामने। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों को हम आज क्या सबक दे रहे हैं, हम क्या उनको बता रहे हैं कि ये हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनकी कीमतें लगी हुई है, ये सारी कौम के सामने हो रहा है, ये कुछ छुपी बात नहीं है। आप उल्टा भी लटक जाए कोई ये नहीं मानेगा कि इन 3 लोगों के पास कोई इसलिए जा रहा है कि ये तो बड़े कोई नजरियाती लोग हैं, तो कोई नहीं मानने लगा कि यासर जरदारी या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या फजल रहमान ये कोई नजरियाती लोग हैं, सब इनको जानते हैं। सिर्फ इन्होंने जो अपने खिलाफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो 20 साल जरा देख लें तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई नजरियाती नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ जमीरों का सौदा हो रहा है, ये अपने मुल्क का सौदा हो रहा है, ये अपने मुल्क की सॉवरेंटी का सौदा हो रहा है। और ये जो होगा, मैं अभी भी लोगों को ये, क्योंकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहां बैठे हुए हैं, मैं अभी भी आपसे ये कहता हूं कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोर लगने लगी है। ये ना लोगों ने आपको माफ करना है, ना लोगों ने आपको भूलना है, ना आपकी आपकी इस बात को माफ करना है भूलना है, ना जो लोग आपको हैंडल कर रहे हैं ना उनको माफ करना है और भूलना है लोगों को। ये हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया, एक बैरून मुल्क साजिश जो यहां लोगों के साथ मिलके एक वो गवर्नमेंट जिसकी आजाद फॉरेन पॉलिसी थी उसको गिराने की कोशिश की गई, ये कोई आपको माफ नहीं करेगा। हमारे बड़े सगीर की तारीख क्या है, मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर
बंगाल को गुलाम बनाया, अंग्रेजों के साथ बल्कि सिराज दौरा को मरवाया और अपनी जाती मफादात के लिए अपने कौम को गुलाम बनाया और दूसरे ने टीपू सुल्तान को उससे गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी कौम को गुलाम बनाया। ये मौजूदा आपके मीर जाफर और मीर सादिक बाहर की कूफतों के साथ मिलकर एक मुल्क के अंदर ये वो चेंज लेके आ रहे हैं, जो कि याद रखें, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सारी जिंदगी ये कौम आपको भूलने नहीं देगी। ये वो आप करने जा रहे हैं जो आने वाली हमारी नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं आज कि अगर आपका ये ख्याल है कि ये साजिश को कामयाब होने देंगे, मैं इसके सामने खड़ा हूँ। मेरी ये अपनी कौम से कमिटमेंट है कि हमेशा जब तक मेरे में खून है मैं इसका मुकाबला करूँगा। मेरी जिंदगी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूँ, मेरा तो कोई कैंप ऑफिस नहीं है, मेरे तो आगे कोई फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई। नवाज शरीफ ने इतने दौर में 18 फैक्ट्रियाँ बना ली थी सरकारी बैंकों से पैसे लेकर, फिर बाद में वो कर्जे माफ करवा लिए। ना मेरे कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में, मैं अपने घर में रहूँगा, अपने घर में रहता हूँ। लेकिन इस कौम से ये जो गद्दारी हो रही है और ये जो होने जा रही है संडे को, मैं ये चाहता हूँ कि एक एक लोगों का, एक एक गद्दार की आप शक्ल याद रखना। ये जितना भी है अपने लोगों को बताने की कोशिश करें कि जी वो एकदम हमें पता चला है कि ये क्या हुआ है, ये कितना बुरा वक्त गुजर रहा था, लोग आपकी कोई बात मानने नहीं लगे। ये कौम जो है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको, मैं आखिरी बात कहने लगा हूँ, ये कौम ना ये भूलेगी, ना आपको माफ करेगी, ना जो लोग आपके पीछे उनको माफ करेंगे। और ये अगर आपका किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, किसी खुशफहमी में ना रहे। मेरे में अल्लाह ने मुकाबला करने की सलाहियत दी है, सारी जिंदगी मैंने मुकाबला किया है। मैं कोई वो आदमी नहीं जिसने बैठे बैठे किसी ने पर्ची दिखाई कि जी मुझे तो पर्ची में पार्टी विरासत में मिल गई है, या मेरा कोई बाप कुछ था, या मेरा कोई फलाना कुछ था, या मैं सरिया लगाते लगाते जनरल जलानी के घर पे मैं मुझे कोई वजारत मिल गई और चीफ मिनिस्टर। मैंने स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा, मुझे स्ट्रगल करनी आती है, मुकाबला करना आता है। मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।